गुड इवनिंग एवरी वन हेलो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी स्क्रीन विजिबल है जस्ट एक बार मुझे कन्फर्मेशन दीजिए चैट में हेलो अंगेश हेलो सांतनु हेलो आयुषमान अविनाश यस ओके थैंक यू गायज ओके गायज ये हमारा वॉइस क्लियर ओके अंगेश थैंक यू ओके हमारा अक्टूबर का लास्ट वेबिनार है ये हमारे चार वेबिनार की सीरीज रहती है महीने की तो ये हमारा लास्ट वेबिनार है इस महीने का जो नेक्स्ट मंथ का रहेगा नवम्बर के लिए वो अपडेट कर दी जाएंगी आपको डेट्स जो भी रहेगा Uh, क्योंकि दिवाली का भी सीजन है तो हमें देखना होगा कि हम मंडे को करेंगे या एक वेबिनार है जो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा तो जो भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा नीतीश नवी मुंबई वेलकम नितेश आदित्य बिल्कुल ठीक गुड कैसे हैं बिल्कुल होप आप भी ठीक होंगे या। ट्रेडिंग आपकी ठीक चल रही होगी और चलिए तो जस्ट यहाँ पर गए टिकमिल के साथ हम यहाँ पर ये यह कर रहे हैं तो डिस्क्लेमर है पहले यहाँ पर जो भी चीजें आप सीखें वो एजुकेशनल पर्पज के लिए उसके बेस पे जैसे एकदम से ये ना लेके ये पर्सनल एडवाइस है आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें मैं यहाँ आप पर आपके साथ साइड शेयर करता हूँ ओके नो प्रॉब्लम सर बट कैंसिल मत करना हाँ कोशिश करेंगे कि कैंसिल ना हो ठीक है अविनाश तो जो भी रहेगा कि क्या मंडे करना है या फ्राइडे करना है ताकि फेस्टिवल है तो कोई किसी का मतलब कि कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो उसी वजह से उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे देखेंगे जो भी होगा अपडेट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ठीक है ओके okay गाइज तो मंडे है गाइज आज किसी ने कोई ट्रेड लिया इस हफ्ते आपको पता होगा कि काफी न्यूज है बैंक इंटरेस्ट रेट के भी डिसीजन है फेड का भी है और पाउंड का भी है जैपनीजन का भी है, जैपनीज येन, जैपनीज येन में आप ऑलरेडी स्ट्रेंथ देखना शुरू कर देंगे अगर आज हम जाते हैं होपफुली आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पर अभी विजिबल होगी अगर आप देखें तो जापनीजन में थोड़ी स्ट्रेंथ आना शुरू हुई है अभी आ, यूरो स्ट्रेंथ में है यूएसडी वीक में चल रहा है आज

कुछ जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से डिसीजन लेने शुरू हो जाते हैं ठीक है वो किस पर जबलपुर गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर गोल्ड में बाई देख सकते हैं क्या हाँ हम देखेंगे कि जो भी सेटअप है मैं मंडे आज कुछ ट्रेड नहीं किया है तो अगर आपने किसी ने कोई ट्रेड लिया होगा आपके कोई एनालिसिस होंगे आप देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो मुझे तीन चीजें जरूर बताएं पेड़ का नाम बाई के लिए देख रहे हैं या सेल के लिए देख रहे हैं या कौन से टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं यहाँ पर हम देखेंगे वन बाय वन किसी पेयर में अगर हमें सेटअप मिलते हैं कौन से पेड़ में देख रहा हूँ आने वाले हफ्ते में जो सेटअप मिल सकते हैं और टेलीग्राम पर भी मैं अपडेट कर दूंगा नोटेड टूडे ओके अंगेज कोई ट्रेड नहीं है गोल्ड में बाई देख सकते हैं तो गोल्ड सबसे पहले अगर हम चले तो गोल्ड के लिए ही देख सकते हैं तो गोल्ड में अगर देखें गोल्ड में मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि हम इसमें बाय के लिए ही पोजीशन देखेंगे अगर यहाँ पर आप इसमें बाय के लिए देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं जस्ट क्विकली प्लीज एनालिसिस एक, थर्टी मिनट्स ओके थर्टी मिनट्स में चलते हैं नितेश सबसे पहले हम जस्ट एक फोरकास्ट में देख लेते हैं कि हमारा फोरकास्ट का क्या अपडेट था और उसके हिसाब से मार्केट ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया अगर कुछ चेंजेस हुए हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं तो गोल्ड अगर आप भी देखें सबसे पहली चीज हम एनालिसिस डिटेल में जाएंगे यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि हम बाइक के लिए ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे हालांकि हम रेसिस्टेंस लेवल पर भी हैं और स्टिल मैं इसमें बाइक के लिए देखूंगा वो ले... सेम लेवल पर हो सकती है या और डीप पुल बैक आए तो तो गोल्ड में अभी हम अभी आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ है अभी हम बाइक के लिए ही देखेंगे ओवरऑल सभी करेंसीज के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो गोल्ड से स्ट्रेंथ में चल रहा है सिल्वर uh, ये भी आप देखें तो बाई की अपॉर्चुनिटी चल रही है और ये सिग्नल मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था पिछले हफ्ते कि यहाँ से जो मार्केट इस एरिया में थी कुछ भी पुल बैक मिले आप यहाँ से बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देखिएगा और हम यहाँ तक का टारगेट देखेंगे तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अगर किसी ने वहां पर वो ट्रेड लिया होगा यूएस ऑयल मार्केट अभी रेंज में है यहां पर मैंने बोला था कि पुल बैक जाएगा डाउन अगर ब्रेकआउट हो तभी बाय जाएंगे नहीं तो अब यहाँ पर हम इसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे अगर मार्केट होल्ड करती है तो यहाँ पर बाइक की अपॉर्चुनिटी हो सकती है तो मैं स्टिल ऑब्जर्व करूंगा वॉच करूंगा इस पेयर को बिटकॉइन अब साइडवेज में चल रहा है कुछ खास मूवमेंट नहीं है थोड़ा बहुत ही मूवमेंट चल रही है तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पर एकदम से इथेरियम में थोड़ा जंप हुआ है जो कि थ्री टू फोर परसेंट तो अगर जा सकता है तो हम लॉन्ग टर्म इसमें बाय के लिए देखेंगे स्टॉक्स देखेंगे तो फॉल होंगे पूरी तरीके से आज थोड़ा रिकवरी जा रही है तो यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आज तो नहीं है कल या परसों अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पर मैं डेफिनेटली इसमें शॉर्ट के लिए देखना चाहूंगा यूएस थर्टी और 100 दोनों में ही NAS थोड़ा यहीं से पुल बैक दे रहा है पर मैं अभी एक्सपेक्ट मार्केट थोड़ा और ऊपर की तरफ जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रिस्टोरी अच्छा वहां पर हो सकता है तो ये हमारा था उसके लिए और अगर मेजर फॉरेक्स में बात करें तो हमारा यूरो यूएसडी ये ट्रेड भी मैंने आपको दिया था हमने टेलीग्राम पर ही कि हम तीन सिनेरियो दिए थे मैंने आपको पहला यहीं से बाइक लिए देख सकते हैं और ये कंटिन्यूसली अब वहां से चल रहा है जीबीपी यूएसडी आपका रेंज में है इसी रेंज के अंदर अभी पाउंड के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है तो इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा अभी के लिए अभी अगर आप रेंज में करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ पर ओजी यूएसडी में हम रेसिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर मैं देखना चाहूंगा क्या इस लेवल को ब्रेक करता है या नहीं अगर ब्रेक नहीं करता है तो डेफिनेटली यहां पर शोर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी पर ओजी आज पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है अगर यहाँ पर आप देखें सब करेंसीज के अगेंस्ट में ओजी पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ में चल रहा है वीकनेस थी पर मार्केट यहाँ पर अगर आप इस चैनल को देखें तो ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं अगर स्टिल अपॉर्चुनिटी मिलती है इस लेवल पर मैं स्टिल ऑब्जर्व करूंगा नहीं तो फिर हम अगर ब्रेकआउट हो तो फिर हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं क्योंकि यूएसडी आज वीक है तो बाकी करेंसी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है स्टिल मैं वॉच करूंगा इस पेयर में अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले नहीं तो अगर ब्रेकआउट हो तो फिर हम बाय के लिए जाएंगे यूएसडी कैट पुल बैक कर रहा है यहाँ पर पुल बैक जा रहा है ट्रेंड लाइन के पास है स्टिल यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है बाय के लिए हम इसको देखेंगे हम फेवरेट पेयर्स में यूएसडी देखें तो पूरी तरीके से यहाँ पर क्रैश डाउन अगर आप देखेंगे तो ये चैनल और इसको भी पूरी तरीके से डाउन गया है मार्केट और यही देखना है अब यहाँ से मार्केट एकदम से अब जाती है या फिर इसको होल्ड करती है सस्टेन करती है तो हम ऑब्जर्व करेंगे अभी जब अपनी में हॉकिस रहेगा अब ये देखिए ये पूरी तरीके से जीपीपी जेपीवाई यहाँ पर भी पूरी तरीके से डाउन स्टिल मार्केट अभी सपोर्ट को होल्ड कर रही है औजी जैपनीज जैन यहाँ पर भी देखिए तो जैपनीजन में पूरी तरीके से एक स्ट्रेंथ थोड़ा मिलना शुरू हुई है अभी यहाँ पर स्टिल मैं कहूंगा कि ये रेंज में है पर यूएसडी जैपनीजन में थोड़ा एक स्ट्रॉग पुल मिला है जो वहां पर भी था और उसी को कंटिन्यू किया अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या ये जो पिछला लास्ट टाइम जो विक गई थी क्या इसको ब्रेकआउट करके नीचे जाता है या फिर हम की तरफ जाएंगे और स्विस फ्रैंक आपका भी कंटिन्यूसली अप में चल रहा है तो स्टिल मैं यहाँ पर वेट करूंगा अगर मुझे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है और यूरो जीबीपी भी आपका एक रेंज में चल रहा है अभी भी ब्रेकआउट होगा तभी हम बाई साल के लिए देखेंगे चलिए अब हम एक एक पेयर करके सभी को एनालाइज कर लेते हैं देख लेते हैं और फिर जो सेटअप में देख रहा हूँ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा ओके प्लीज गोल्ड के लिए थर्टी मिनट्स में तो सबसे पहले अगर uh, नीतीश ने पूछा गोल्ड के लिए थर्टी मिनट्स में अगर हम इसको देखते हैं तो ओके okay. गोल्ड के लिए थर्टी मिनट्स में अगर आप देखें देखेंस तो यहाँ पर देखें मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ये पुल ऊपर की तरफ दिया था हमारी रेसिस्टेंस जो है जो आपने देखा मैं फोर आवर में मैंने आपको बताया था कि हमारी उसी लेवल के आसपास सेम थोड़ा ऊपर है अभी पर अभी स्टिल में हम यहाँ पर इसमें बाइक की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई और होल्ड कर रही है तो अगर आप अभी इसमें बाई नहीं देखना चाह रहे हैं तो कल आप डेफिनेटली इसमें बाई की तो आप अग्रेसिवली इसमें बाई देखें, यहां पर लगाए और टारगेट जो प्रीवियस थी मुझे नहीं पता वो डेली में हम कहां पर हैं? इस लेवल के आसपास अगर आप यहाँ पर देखें और थर्टी मिनट्स में चलते हैं तो अगर आपको यहाँ पर वन पॉइंट फाइव वन टू टू ये मिल जाता है या फिर आप थोड़ा इसमें वेट करेंगे और अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलती है तो आप इसमें और थोड़ा वेट कर सकते हैं क्योंकि अभी मार्केट अब ये किस तरीके से जाती है तो वेट कर सकते हैं या तो आप आज लेना चाहें या फिर इसमें कल के लिए वेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड में मैं बाय के लिए ही देखना चाहूंगा वो इस लेवल पे हो सकता है अगर स्टॉप आउट होते भी हैं मैं सेकंड फिर इस एरिया में दोबारा से बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा तो ट्रेड आप देख सकते हैं या आपके है, आप ज्यादा कर वर्क करता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है स्कैल्पिंग uh, के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं वन मिनट में भी मैंने देखा है जो स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं और एस के साथ उसको ट्रेड करते हैं तो इवन स्ट्रक्चर सारा कुछ फिर वैल्यू गैप या जितने भी हैं कॉन्सेप्ट उनके वो सब उसी तरीके से काम करते हैं डिपेंड करता है आप किस तरीके से उनसे कंफर्टेबल हैं वन मिनट में ज्यादा मोमेंट्स रहेगी या थ्री मिनट या फाइव मिनट स्कैल्पिंग के लिए बड़े टाइम फ्रेम में आप स्लोली उसी हिसाब से फिर चलते हैं अपने आप उसको अडोप्ट करते हैं ओके okay गाइस आप आपने ट्रेड लिख सकते हैं कि कौन से पेयर को आप यहां पर एनालाइज करना चाहेंगे कौन से पेयर को आप देख रहे हैं तो अपने कमेंट्स यहां पर लिख सकते हैं मैं जो पेयर्स यहां पर देखना चाहूंगा तो गोल्ड वन ऑफ द पेयर्स जो मैं यहां पर देखना चाह रहा था मैं इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली यहाँ पर देखना चाहूंगा वो आज या कल हो सकती है दूसरा में जीबीपी फ्रैंक गाइस अगर यहाँ पर आप देखें मार्केट कंटिन्यूअसली अप की तरफ यहाँ पर चल रही है पर जी पूरी तरीके से वीक था यहाँ पर ये मार्केट अभी भी देखें तो कंटिन्यूसली अप है और हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के पास भी हैं यहाँ पर और एक तरीके से आप कहें कि हम यहाँ पर ये डबल टॉप अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं ठीक है स्टिल अगर हम इसी से नीचे जाते हैं मैं बाई की अगर ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो फिर मेरे लिए इंटरेस्टेड होगा मैं इसमें शॉर्ट की पोर्च यहाँ पर देखना चाहूंगा और हम डाउन की मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो जीबीपी स्विच फ्रेंक वन ऑफ द पेर आप सेफ साइड में जाना चाहते हैं पूरी तरीके से जब यहां पर ये ब्रेक हो जैसी ब्रेकआउट हो आप यहां पर लें या फिर मार्केट की मूवमेंट आए कुछ एक पुल बैक मिले आप दोबारा से उसमें देख सकते हैं तो ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से उसको ट्रेड लेना चाहे अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है आप ट्रेंड के साथ जो भी ट्रेंड है वन आवर में इसके साथ आप बाइक के लिए जा सकते हैं ये हम ट्रेंड रिवर्सल इसके साथ यहाँ पर देख रहे हैं अगर हमें अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलती है तो जीबीपी स्विच फ्रेंक ये मैं देखना चाहूंगा इस पर आज रखू पहला हमारा गोल्ड ओके आदित्य एम आई यूरो यूएसडी बाय किया है वन पॉइंट ओके आदित्य ने यूरो यूएसडी को बाय किया है यूरो यूएसडी ओके तो so, यूरो पर मैंने बताया था जैसा कि आपने देखा होगा ये टेलीग्राम पर यही मैंने स्क्रीनशॉट डाला था कि हम इसमें इसी लेवल से बाई देख सकते हैं और मार्केट और पुल बैक डाउन जाती है तो और नीचे या फिर यहाँ से आप देखिए मार्केट यहीं से पुल बैक गई और इस लेवल तक का टारगेट हम देख रहे हैं तो ये स्क्रीन जो मैंने डाला था अपना टेलीग्राम पर यहाँ से आप बाई के लिए देख रहे थे यूरोसडी में जो इन्होंने बाई के लिए देखा है तो ये बोल रहे हैं कि हमने बाई देखा वन पॉइंट रो थ्री ओके आप यहां कहीं इसमें बाई किया फिफ्टीन मिनट्स में इसको बाई किया है ओके okay, और आपका टारगेट प्रॉफिट जो है वन पॉइंट जीरो सिक्स फाइव जीरो है यहाँ तक आपका टारगेट है और स्टॉप लॉस जो आपने लगाया है वन पॉइंट जीरो फाइव एट जीरो यहाँ पर आपने इसमें स्टॉप लॉस लगाया तो ये आपका ट्रेड है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं फिफ्टीन मिनट के ट्रेंड के साथ आपने इसको ट्रेड को लिया मोर देन का टारगेट आप ले रहे हैं तो टार... जो आपने ट्रेड लिया है बिल्कुल ठीक है जो आप मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इवन आपका ट्रेंड फिफ्टीन मिनट्स में गुड है मार्केट अब स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए ऊपर चल रही है जैसे ही आप यहाँ पर सपोर्ट के पास आए आपने यहाँ पर कहीं इसमें एंट्री ली इवन जो कैंडल है कैंडल के बीच पे अगर आपने एंट्री ली ट्रेड आपका ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है यहाँ पर और जो टारगेट आप देख रहे हैं आपका ऑलरेडी यहाँ पर वन इज टू वन तो आपको मिल चुका है और यहाँ पर आप इसमें वन पॉइंट जीरो फाइव के आसपास देख रहे हैं तो जो टारगेट uh, मैंने आपको बताया था कि पहला हम यहां पर देखेंगे सेम वहीं तक का है बिल्कुल ठीक है या इवन आप फर्दर के लिए देख सकते हैं तो ट्रेड आपका बिल्कुल ठीक है गुड है uh, इवन अगर आप इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा और टाइट रखना चाहें तो यहाँ पर भी रख सकते थे मुझे नहीं पता आपने बिल्कुल ही सेफ साइड अगर आप 15 मिनट्स में जा रहे थे तो आप सेफ साइड पर गए नहीं तो आपका स्टॉप लॉस पर भी हो सकता है और आपका टारगेट प्रॉफिट इवन लोअर लेवल पर ही आपको टू इस तक मिल सकता था तो डिपेंड करता है आप किस स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं अगर मैं देखता इसमें फिफ्टीन मिनट्स के लिए देखता तो मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे थोड़ा सेफ साइड में अगर इवन इस कैंडल इसके यह आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी बोलिस कैंडल जो है इसके नीचे रखता तो और टू इस टारगेट देख रहा था तो यहां तक भी सेफ साइड में इसमें आउट हो सकता था आपने स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखा है ओके नो प्रॉब्लम वन का टारगेट आप यहाँ पर देख रहे हैं तो पुल बैक के साथ आपका क्योंकि ऑलरेडी इस प्रीवियस हाई को हम आउट कर सकते हैं पुल बैक होगा और इसी तरीके से मार्केट अभी मूवमेंट में जाएगी क्योंकि आज कुछ खास न्यूज नहीं है अगर आज आप देखेंगे मंडे कुछ खास न्यूज नहीं थी जो हमारा ट्यूसडे रहेगा वहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जो रेट ग्रोथ थ्री थर्टी पीएम के आसपास है तो उससे पहले पहले आपको इस ट्रेड में आउट हो जाना चाहिए नहीं तो आप इसमें आउट हो तो डिपेंड करता है आप इसमें लॉस ना करें अब लॉस ना करें इस ट्रेड में जब कोशिश करें अगर ये ट्रेट इस न्यूज से पहले पहले आपका यहां पर ही यह आउट हो जाए क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर हैं काफी हैं अगर ये ट्यूजडे से पहले आप यहाँ पर आउट हो जाए जस्ट एक एडवाइस है बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से स्ट्रेट को लें ओके आदित्य ओके अविनाश सर यू थर्टी में रेसिस्टेंस कहाँ तक जा सकता है लुकिंग फॉर सेल ओके यूएस थर्टी के लिए देख रहे हैं ओके दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पेयर जो मैं भी सेल के लिए ही इसमें अपनी आईज ऑब्जर्व करूंगा मतलब इस नेक्स्ट वीक तक के लिए क्योंकि स्टॉक्स हैं तो अभी जो है अभी डाउनवर्ड रैली ही कंटिन्यूसली चल रही है तो जो मैंने आपको फोरकास्ट में बताया हुआ है कि यहाँ पर अगर आप जाए यूएस थर्टी के लिए तो लेवल हमारा पहला इम्पोर्टेंट यही है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड लेवल मैक्सिमम यहां तक देख सकते हैं तो ये लेवल में अप्रोच करना चाहूंगा विनाश कि थर्टी टू एट हंड्रेड मार्केट अगर रिएक्शन कैसे करती है कल या परसों अगर नहीं होती इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो मैं यहाँ पर फिर इस लेवल के आसपास अप्रोच करना चाहूंगा देखना चाहूंगा यहाँ पर किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है तो अगर यहाँ पर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो और या फिर इसी लेवल से भी तो डिपेंड करता है मार्केट कहां तक डीप जा सकती है पर मैं थर्टी थ्री अगर आप मैक्सिमम पूछ रहे हैं टू के आसपास यहां तक का आप इसमें देखिए मैक्सिमम इस लेवल के आसपास ये मैक्सिमम देखना चाहूंगा इससे पहले भी मार्केट रिएक्ट करके डाउन जा सकती है पर मैक्सिमम लिमिट में देखना चाहूंगा अगर मैं इसमें शॉर्ट के लिए देख रहा हूँ ओके अविनाश का ये क्वेश्चन था ओके okay, सांतनु का क्वेश्चन है यूएसडी कैड में बाई के लिए देख रहे हैं फिफ्टीन मिनट और वन आवर में ओके okay. hey, सांतनु यूएसडी कैड आप देख रहे हैं फिफ्टीन मिनट में आपने बाय किया है मुझे नहीं पता आपने बाय कर लिया है या बाई के लिए देख रहे हैं ओके okay. बाई डन बाई डन कर चुके हैं तो शांतनु ने ये ट्रेड लिया है इसको देखते हैं हम ये इन्होंने जो लिया है पर लिया है ओके okay. और इनका स्टॉप लॉस है वन पॉइंट थ्री सेवन नाइन फोर सेवन वन पॉइंट थ्री सेवन नाइन फोर सेवन यहाँ पर कहीं पर इस एरिया के यहाँ पर और आपका टारगेट है 1.38 के आसपास 0.6 1.38 38 80 638 80 ओके जस्ट मतलब कि यही आपका प्रीवियस जो आई है यहाँ तक का टारगेट आप इसमें देख रहे हैं तो एंट्री आपकी बिल्कुल ठीक है टारगेट प्रॉफिट आप यहाँ पर बिल्कुल देख रहे हैं और 1.5 मिनिमम टारगेट यहाँ पर आप देख रहे हैं फोरकास्ट में मैंने आपको बताया था यूएसडी कैड में अगर आप देखेंगे तो बाई की डायरेक्शन ही हम यहाँ पर देखना चाहेंगे जिसमें फोरकास्ट में आपको ले जाना चाहूँ कि मार्केट में इस लेवल जो आपकी ट्रेंड लाइन है या तो यहीं पर या फिर और डीप पुल बैक जाते हैं हम इस लेवल के पास जाएंगे तो मार्केट की जो हमारी स्ट्रेंथ है हम इसी हिसाब से इसको देखेंगे अभी जो आपने ट्रेड लिया है मार्केट का ये अभी ट्रेंड अगर आप यहाँ पर देखें मिनट में कंटिन्यूसली आप ट्रेंड के साथ हम यहाँ पर चल रहे हैं बिल्कुल ठीक है मार्केट ने यहां से जंप किया है और यहां पर आप इसमें बाइक की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है यूएसडी कैड दोनों की मार्केट अभी ओपन चल रही है पर जस्ट एक थिंक जो यहां पर मैं देखना चाहूंगा आज आज के लिए यूएसडी पूरी तरीके से वीक है अगर आप यहां पर देखें कैड में थोड़ी मिक्स स्ट्रेंथ है ठीक है तो इस वजह से यूएसडी शायद आज, आज आपको ये मूवमेंट ना मिले और ये शायद आपको स्टॉप आउट कर सकता है पर आपने स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट नहीं रखा है ये अपने अच्छी चीज की है आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल डीप डाउन पे है तो सेफ साइड है बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है नहीं तो अगर मार्केट और डीप भी जाती है मैं कल फिर दोबारा से इसमें अपॉर्चुनिटी देखूंगा अगर मुझे इसमें अगर मैं स्टॉप आउट भी हो जाता हूँ क्या मार्केट दोबारा से फिर इसमें जम करती है तो अगर स्टिल आपने यहाँ पर वन या जो भी रिस्क रखा है अगर आउट हो भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं पर ट्रेड आपका ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कुछ ऊपर उप, की तरफ दिया था अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट पूरी तरीके से लोअर लो लोअर लो बनाती हुई चल रही थी ये पुल बैक ऊपर की तरफ गया स्ट्रक्चर को ब्रेक किया दोबारा से आप यहां पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है जस्ट अगर आपने यहाँ नहीं रखा सेफ साइड आपने थोड़ा यहाँ पर रखा है अगर जाती है मार्केट ठीक है डाउन जाती है स्टॉप आउट होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं दोबारा से सेम लेवल पर जो मैंने आपको यहां पर लेवल दिया हुआ है इस लेवल पर दोबारा से हम की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद फिर आप देखिए किस तरीके से ट्रेड को देखते हैं तो वेट कीजिए जैसे एक ही कंसर्न है कि हमारा यूएसडी में आज कुछ स्ट्रेंथ नहीं है यूएसडी पूरी तरीके से आज वीक चल रहा है सभी करेंसीज के में अगर आप पर देखें यूरो यूरोपी के कहीं पर भी ये रेड नहीं है तो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है जस्ट ये थोड़ा मुझे कंसर्न है ओके शांतनु इसका न्यूज इफेक्ट माइनर करेंसी पेयर पर भी पड़ता है यूरो जीबीपी यूरोपीटीसी नीतीश महात्रे आपका पहला क्वेश्चन क्या था मैं उसके सर इसका न्यूज इफेक्ट माइनर करेंसी पेयर पर भी पड़ता है यूरो जी बी पी आई नीतीश किस रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं मुझे ये बताइए इसका न्यूज इफेक्ट मतलब किसका न्यूज इफेक्ट ओके धीरज का धीरज का क्वेश्चन है सर जीबीपी बताएं जीबीपी जेपीवाई एनालिसिस ओके कौन से टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं अगर हम जो मैंने आपको फोरकास्ट बताया हुआ है तो हम पहले उसे फोर आवर में जो मैंने बताया हुआ है उसको देख लेते हैं आ, हम एक रेंज में चल रहे हैं अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज में चल रही है सपोर्ट के आसपास है बिल्कुल ही यहाँ पर और अगर आप अभी इसमें जीबीपी जेपीवाई में बाई के लिए देखना चाहेंगे या सेल के लिए देखना चाहें वो हम देखते हैं तो वन आवर में चलता हूँ फोर आवर में मैंने आपको बताया हुआ है कि हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल के पास हैं अगर आप यहाँ पर देखें फोर आवर में हमारी जो सपोर्ट लेवल है यही एरिया जस्ट अगर हम इसको ब्रैकेट थोड़ा इस तरीके से ले लें ठीक है मार्केट यहाँ तक डाउन गई थी और यहां से ही फिर हम इसमें देख सकते हैं तो वन आवर में अगर हम देखें यहाँ पर मार्केट एक बार यहाँ पर पुल बैक करी दोबारा से यहाँ पर गई सेम लेवल एकदम से जंप ऊपर की तरफ पर जैपनीजन में थोड़ी स्ट्रेंथ है आज देखा होगा आपने बाकी सभी पेयर इवन यूएसडी जैपनीजन पूरी तरीके से डाउन पर अभी जब जीबीपी जेबी में हम स्टिल स्ट्रेंथ को होल्ड किए हुए हैं सपोर्ट को होल्ड किए हुए हैं तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती है मैं आज नहीं कहूंगा कि आप इसमें ट्रेड लें की जब मार्केट खुलेगी कल दोबारा देखेंगे अगर आप अर्ली मॉर्निंग इसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या यहां पर ये कंटिन्यूअसली अप जाता है या इसको ब्रेक करते हैं हम डाउन की तरफ जाते हैं तो मैं बाइक के लिए देखना चाहूंगा क्योंकि एकदम से रिकवरी यहाँ पर आ, डाउन क्रैश नहीं होना चाहिए पर अगर होती है फिर तो ठीक है की अपॉर्चुनिटी देखे इस लेवल तक दे, देखेंगे नहीं तो मैं बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा मार्केट होल्ड करे तो हम बाइक के लिए देख सकते हैं और विद विदिन रेंज आप यहाँ पर टारगेट देखेंगे तो मैं वेट करना चाहूंगा कि ये सेशन मोल्क मार्केट कल खुलती है किस तरीके से रिएक्ट करती है 15 मिनट और वन आवर में मैंने बाइक की एंट्री की है आपने 182 पर बाई किया है ओके 182 पर 182 पर आपने बाय किया तो मेरे ख्याल से आपने यहीं पर जो टॉप पे है आप यहाँ पर बाई की तो देखिए यहाँ पर आपने एग्रेसिव एंट्री ली है बहुत ही ज्यादा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा हो जाएगा तो अभी आपने देखा होगा साथ उन्होंने शायद आपका यूएसडी कैड के लिए देखा था उन्होंने सेम ट्रेड सेम एनालिसिस अगर हम यहाँ पर देखें एक तरीके से उनकी एंट्री बिल्कुल अच्छी थी उन, बस वहां पर पेशेंस थोड़ा बेटर था ठीक है तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा यूएसडी कैड में अगर हम जाए जस्ट मैं देख रहा हूँ यूएसडी कैड हमने यहाँ पर अभी बात की थी फिफ्टीन मिनट में मूव बना और वेट किया और उन्होंने यहां पर एंट्री ली आपने जस्ट क्या हुआ मूव हुआ और वहां पर एंट्री ले रहे हैं तो यही चीज आप देखें जब हम यहां पर बात कर रहे हैं ठीक है तो जीबीपी जेपीवाई अगर आप यहां पर जाते हैं आपने एंट्री कहाँ पर ली यहां पर एंट्री ले ली अब यह, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर वेट करना है क्योंकि मूव हुआ है अब मार्केट जाती है हमें जस्ट रनिंग उसको कैप्चर नहीं करना है वेट कीजिए मार्केट पुल बैक दे फिर आप देखें अब यहाँ पर हम एंट्री के लिए देखते तो आपका तो रिवॉर्ड बेटर हो सकता था अब यहाँ पर इवन अगर आप थर्टी मिनट्स में भी जाए तो आपका रिस्क टू तो रिवॉर्ड अगर मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूं मैं रिस्क स्टॉप लॉस तो इसके नीचे लगाऊंगा टारगेट प्रॉफिट यहां तक देखूंगा पर वही अगर आप यहाँ पर पेशेंस ट्रेडर होते और मैं यहां पर इसमें वेट करता पुल बैक के लिए और मैं यहाँ से इसमें टारगेट प्रॉफिट देखता तो इवन आपको बहुत पहले ही मतलब आप फर्क फर्क देखिए पहले वाले ट्रेड में और इस वाले में यहाँ पर 1.5 तक ये टू इज टू वन भी नहीं बन रहा है और यहाँ पर वन इज टू नाइन तक भी आप देख सकते हैं इवन वन परसेंट का रिस्ट मैं नहीं कह रहा हूं कि वन इज टू तो नाइन देखिए आप वन इज टू थ्री फोर इवन बहुत पहले ही यहां पर इसमें आउट हो सकते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो है अगर आपने एंट्री ले ली है मतलब वो थोड़ा पुल जब मार्केट जम दे वेट कीजिए किस तरीके से मार्केट ने पुल बैक दिया है और फिर बाद में अगर आपको एंट्री मिलती है वो बेटर आपके लिए रहे उससे आपका रिस्टोरी रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा सर वाई डॉलर न्यूज इम्पैक्ट अदर करंसी प्रीवियस वीक आई ट्रेड एनजे बट सडनली यू एस डी न्यूज कमिंग एंड देन मूव कम एंड मे माई सॉपलॉस हिट ऑन एनजेडी जेपी देखिये सभी करंसी पेयर एक दूसरे से कॉर रिलेटेड है यहां पर तो जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए यहां पर देना चाहूँ यूएसडी मेजर पेयर है सभी इसके अगेंस्ट में ट्रेड किए जाते हैं तो वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज्यादा बेंचमार्क जो देखा जाता है सभी पेयर को यूएसडी के अगेंस्ट में जाता है जिसके अगेंस्ट में हमारे आपके छह पेयर आ जाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जिसमें आपका ओ जी यूएसडी एनजे यूएसडी यूएसडी जैपनीजियन आपका यूरो यूएसडी आपका जी यूएसडी और आपका यूएसडी कैट अब जब यहां पर एनजेडी यूएसडी के अगेंस्ट में डाउन जाएगा तो एनजेडी से जो डेरेवेटिव पेयर्स हैं उनमें भी डेफिनेटली इंपैक्ट बढ़ेगा और वो एनजेडी के अगेंस्ट में भी आप वो सभी के सभी पेयर यहाँ पर निकालेंगे एनजेडी जेपनीजन एनजेडी कैड uh, स्विस फ्रैंक इस तरीके से सभी पेयर यहाँ पर आ जाएंगे जो कि क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं तो अगर जब एनजेडी यूएसडी अगर यूएसडी के अगेंस्ट में जा रहा है अब जा रहा है तो डेफिनेटली बाकी करेंसी में पर बाकी करेंसी को भी हमें देखना होगा कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है पर अगर यहां पर वीकनेस है तो बाकी करेंसीज में देखिए अगर यहां पर सिंपल अगर मैं कॉर्डलेसन के लिए यहाँ पर देखूं अगर हम यहां पर देख रहे हैं आज यूएसडी पूरी तरीके से वीक है पर सभी करेंसीज के अगेंस्ट में वीक है ओके एनजेडी मिक्स है एनजेडी में अगर आप यहां पर देखें तो मिक्स है तो अगर एनजेडी यूएसडी में आपका एनजेडी यूएसडी के अगेंस्ट में डाउन गया तो बाकी पेड़ में अब एनजीडी को हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि, कि किस करेंसी के अगेंस्ट में वो स्ट्रेंथ में है वीक में है यहां पर देखिए यूएसडी के अगेंस्ट में स्ट्रेंथ में है पर जापानीज के अगेंस्ट में पूरी तरीके से वीक चल रहा है ओजी के अगेंस्ट में वीक चल रहा है तो इम्पैक्ट उसी हिसाब से वहां पर उतना आएगा कि कितना स्ट्रेंथ में है कितना वीक में है उसके हिसाब से और ओवरऑल इंपैक्ट जरूर आएगा हर एक पेयर में इंपैक्ट मिलेगा वो ज्यादा या कम हो सकता है डिपेंड करता है करेंसी की स्ट्रेंथ कितनी है तो उस चीज को आपको माइंड में रखना होगा ओके शांतनु ओके यूएसडी स्विश फ्रैंक राहुल सरास्वत का क्वेश्चन है यूएसडी स्विश फ्रैंक में एंट्री है चलिए देखते हैं यूएसडी स्विश फ्रैंक में देखते हैं यूएसडी स्विस्ट फ्रैंक में एंट्री है इन्होंने एंट्री ली थी नाइनटी टू थ्री एट नाइनटी थ्रू टू थ्री एट स्टोपलॉस नाइन नाइन हंड्रेड एट फोर एट फोर तो आप यहां पर शायद स्टॉप लॉस आउट हो चुके हैं अगर आपने ट्रेड लिया था या नहीं 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 अभी नहीं हुआ है हो चुके हैं मेरे हिसाब से ओके इट फोर फॉलो ट्रेंड बट स्टॉप लॉस हिट ओके फॉलो ट्रेंड बट आई फॉलो ट्रेंड बट स्टॉप लॉस हिट ओके ओके सबसे पहली चीज आप मुझे नहीं पता आप कौन से टाइम फ्रेम में थे राहुल कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं आप पंद्रह मिनट में ओके पंद्रह मिनट में आप इसको देख रहे थे आप यहां पर इसमें पंद्रह मिनट में चल रहे थे ओके okay. मैंने आपको जो फोरकास्ट में भी आपको बताया था जस्ट एक हम फोरकास्ट में चल रहे थे यूएसडी स्विस फ्रैंक अभी आपका में चल रहा है पर लेवल के पास हम अप्रोच करते जा रहे हैं ठीक है अगर आप यहां पर देखें फोर आवर में भी अभी हम अप्रेंड में चल रहे हैं वन आवर में भी अप ट्रेंड में और इवन फिफ्टी मिनट्स में जो भी आप देख रहे थे अभी ट्रेंड में आप यहां पर चल रहे हैं तो आपने जो यहाँ पर एंट्री ली थी जो बाई के साथ ली थी अगर यहां पर आप इसमें इस लेवल पर यहां पर देखें आपने स्टॉप लॉस लगाया जो टारगेट आप मे बी यहाँ पर आप इसमें देख रहे हैं क्या आपकी साइकोलॉजी होगी और हम इस ट्रेट को देखना चाहें ऑब्जर्व करें मार्केट कंटिन्यूसली अब चल रही थी मे बी बाकी के लिए भी एक लर्निंग लैसन हो सकता है यहां तक मार्केट गई अब यूएसडी जी सी में ट्रेंड अब चल रहा है राहुल इसमें बाय के लिए देखना चाहेंगे मार्केट यहां पर आई जो सपोर्ट थी उसको होल्ड किया दोबारा से मार्केट ने जम दिया और इन्होंने शायद यहां पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी दी कि मार्केट यहां से कंटिन्यूअसली अब जा सकती है उसके बाद भी मार्केट कंटिन्यूअस्ल डाउन इनके अगेंस्ट में यहां पर चली गई और ये आपका टारगेट हमारा यहाँ पर हिट नहीं हुआ तो अगर यहाँ पर आप वन परसेंट लॉस कर भी गए हैं अगर इसको मैनेज करते हुए मैं दोबारा से इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा क्योंकि स्टिल मैं यहाँ पर सपोर्ट के आसपास हूं तो अगर आपकी यहाँ पर ये यह कैंडल बन रही है आप यहाँ पर इसमें बाय के लिए देख रहे हैं स्टॉप लॉस यहां पर लगाए और टारगेट दोबारा से यहाँ पर देखें नो no प्रॉब्लम अगर आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलते हैं अगर ये भी स्टॉप लॉस डन हो चुके हैं है? आप बार -बार है। अगर, आप no अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है पर आप इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे या फिर ज्यादा रिस्क नहीं लगाएंगे रिस्क को मैनेज करेंगे वन परसेंट यहां पर अगर आउट भी हो गए कोई नहीं दोबारा से आप यहां पर इसमें एंट्री देख सकते हैं पर जस्ट यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमारा ट्रेंड अभी भी स्टिल डाउन है जस्ट हम सपोर्ट के पास अभी एकदम से जम कर रहे हैं यूएसडी थोड़ा आज वीक है जो मैंने आपको बताया शायद किसी और ने भी अभी यूएसडी कैड के लिए पूछे थे तो यूएसडी आज पूरी तरीके से वीक चल रहा है सभी करेंसी के अगेंस्ट में चल रहा है और आपने यूएसडी स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट में लिया है जो कि वो भी पूरी तरीके से वीक है तो इस पेयर में शायद आपके चांसेस ज्यादा है कि सक्सेसफुल में जा सकता है तो देखिए ऑब्जर्व करें अगर आप दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिले यहीं पर साइड वेज में रहे मैं स्टिल इसमें देखना चाहूंगा या फिर मैं कल के लिए देखना चाहूंगा कि वेट करूं आप वेट कर सकते हैं कल के लिए या आप यहां से ही दोबारा एंट्री देख सकते हैं इसमें जो आपकी यहां पर एंट्री होती है स्टॉप लॉस यहां पर लगाए और टारगेट प्रॉफिट आप इसमें टूटू वन यहां तक देख सकते हैं ओके होपफुली आपका आंसर कर पाऊंगा राहुल देखिए डाइवर्जेंस को आप देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम में ही बेटर रहेगा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं अगर आप स्विंग करते हैं तो फोर आवर में जाइए फोर आवर में जो भी डायवर्जेंस मिले आप आर एस आई के लिए देख रहे हैं या मैक के लिए देख रहे हैं और अगर आप इंटर में भी जा रहे हैं तो वन आवर तो मैं कहूँगा कि मिनिमम इसको माइंड में रखें जब भी आप ट्रेड के लिए देखें तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा ओके सांतनु आ, सर ओजी जी एंड यूएसडी सेम फ्लैग वाई वेरी कंफ्यूजिंग ओजी जी एंड एनजीडी फ्लैग सेम फ्लैग मतलब ओजी यूएसडी एनजीडी यूएसडी में आप बोल रहे हैं सेम फ्लैग वाई वेरी कंफ्यूजिंग थोड़ा मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है अगर सांतनु आप थोड़ा इसको डिटेल में बताएं ओके धीरज टू वन वन फाइव सेवन वन आवर्स में लिया है प्लीज सजेस्ट ओके जीबीपीएसडी को इन्होंने देखा है ट्रेड लिया है इन्होंने जी बी पी एस डी और कौन से टाइम फ्रेम पर आपने इसको देखा है वन आवर में ओके ओके गुड तो वन आवर में अगर आप यहाँ पर देखें तो इन्होंने जो बाय किया है टू वन वन One, five, यहाँ पर कहीं इसमें स्टॉप लॉस होपफुली आपने यहाँ पर लगाया होगा और अगर आप टारगेट इसमें देख रहे हैं तो प्रीवियस हाई या इसके पास टू तक का आप अगर आप इसमें देख भी रहे हैं हैं के आसपास भी देख रहे ओके okay. तो जीबीपी जीबीपीएसटी अगर, अगर आप देखेंगे तो पूरा डाउन में यहाँ पर चल रहा था हालांकि ये जो सपोर्ट लेवल है इवन फोर आवर मैंने आपको अगर फोरकास्ट में भी जो बताया था कि हम सपोर्ट लेवल के पास है एक रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं तो यहां से मार्केट जंप कर रही है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है ये वाला जो आप देख रहे हैं यहां पर और अगर आपका यहां पर स्टॉप लॉस इसी के नीचे आ जाता है तो डिपेंड करता है आपने स्टॉप लॉस पर लगाया है क्या वो यहां तक का है वो या यहां तक का है ठीक है तो अगर स्टॉप लॉस जस्ट पहली वाली इसके नीचे लगाया है तो आप टू टू वन यहां पर देख रहे हैं और अगर आप यहां पर लगाएंगे

पर अगर ये ब्रेक नहीं करता है, तो हम एक रेंज के अंदर अभी यहां पर जाएंगे इसी लेवल के आसपास और फिर यहां पर दोबारा हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर एंट्री मिलती है अगर आप यहां पर इस स्टॉप लॉस अगर आपने यहां पर लगाया अगर स्टॉप लॉस डीप है फिर कोई इश्यू नहीं है ठीक है तो अगर स्टॉप लॉस पर मैं नहीं कहूंगा कि आप अपने रिस्क को बढ़ाएं जितना आपने रिस्क में पहले से कैलकुलेट किया उसके हिसाब से ही आप ट्रेड कीजिए तो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा क्या ये इस लेवल क्योंकि वन टू अब थर्ड टाइम हम यहां पर गए हैं तो देखते हैं क्या ये ब्रेक करके ऊपर जाता है फिर तो हम सेफ साइड में है अगर ये जाता है क्योंकि रेंज में यहाँ पर बन सकते हैं ठीक है तो ये जो लेवल है यहां पर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर इस रेंज के अंदर दोबारा से मार्केट यहाँ पर जिगजैग कर सकती है कि मार्केट यहीं पर आए क्योंकि ये एक दो तीन इसी रेंज में जब तक ये ब्रेकआउट हो जाए बिल्कुल गुड़ है धीरज होपफुली आपको मैं आंसर ओके राहुल आयुष्मान सर यू एस डी ए आर सी ट्वेंटी मैथड से डिपॉजिट ड्रा कर सकते हैं इस पर भी कोई इशू तो नहीं होता है इशू नहीं है ए आर सी ट्वेंटी में थोड़ी आपकी चार्जेस ज़्यादा लगते हैं और थोड़ा स्लो रहता है अगर आप टी आर सी ट्वेंटी को यूज करते हैं उसके अगेंस्ट में तो, तो डिपेंड करता है ई आर सी ट्वेंटी में जस्ट चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे और थोड़ा स्लो रहेगा ओके अविनाश नहीं सर कंट्री फ्लैग कंट्री फ्लैग ओके कंट्री फ्लैग में कन्फ्यूजन रहता है सेम फ्लैग वाई वेरी कंफ्यूजिंग सेम फ्लैग नहीं है थोड़ा डिफरेंस है वहां पर देखिएगा गूगल पर सर्च कीजिए ठीक है थोड़ा डिफरेंस है नहीं आरबीआई का कोई इश्यू नहीं होगा आयुष्मान ठीक है ओके ओके सर यूरोन जी वन आवर इन अप्रेंड नाउ मेकिंग डबल बॉटम एनी अपॉर्चुनिटी यूरो एनजीडी को आप देख रहे हैं ओके okay, इनका पेड़ देख लेते हैं यूरो एनजीडी अगर आपके कोई पेयर्स हैं जो आप देख रहे हैं जो आप शेयर कर सकते हैं इवन आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो या आप इवन बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कोई इशू नहीं है यूरो जी डी अगर यहाँ पर नहीं है हमें यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ okay. तो वन आवर में अगर आप देखें जस्ट मैं फोर आवर्स का दे, एक पिक्चर देख लेता हूँ यहाँ पे कि हम साइडवेज में यहां पर चल रहे हैं ओके यूरो एनजीडी अगर आप देखेंगे तो एक ओवरऑल एक रेंज के अंदर ही मार्केट यहाँ पर आपको मिल रही है अगर मैं यहाँ पर देखूं, मार्केट इस लेवल से जो आप देख रहे हैं और इवन अब इस लेवल से भी बॉटम कर चुकी है और इवन एक बड़ी रेंज भी हम यहाँ पर चल रहे हैं तो आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से वन टू और इस लेवल से कई बार रिजेक्ट कर चुके हैं और सेम इसी लेवल में आप यहां पर आ चुके हैं तो वन आवर इन अप्रेंड आप वन आवर में देख रहे हैं तो अपट्रेंड तो मुझे अभी वन आवर में नहीं दिख रहा है वन आवर में अभी मैं जो देख रहा हूं एक साइड वेज में चल रही है मार्केट इसी लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है और जो साइड वेज में है यह आपकी ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर से है मतलब कि पूरा लास्ट वीक से अभी ये रेंज में चल रही है और ओवरऑल इवन यहां से भी मैं देखूंगा तो ये इसी रेंज के अंदर है अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये कहां से है नाइनटीन अक्टूबर से तो यूरो एनजीडी में ट्रेंड हालांकि अप है पर अभी मैं साइडवेज में यहां पर इसको देख रहा हूं तो अभी अगर रेंज के आप ट्रेड अंदर ट्रेड करें तो आप टॉप पे सेल करें बाय के लिए देखें जब आपके थ्री पॉइंट्स आपके लिए मिलते हैं रेंज में हम देखते हैं वन टू और ये थ्री पॉइंट यहाँ पर आपकी बाई अपॉर्चुनिटी थी यहां पर आप अगर सेल के लिए इसमें देखना चाहते हैं तो, तो ट्रेंड अब नहीं है मे भी आप हायर फ्रेम में देखें तो मे भी है ओके शांतरु <coughs> सर जी मैं कंफर्मेशन के लिए कंफ्यूज हूँ सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कंफर्मेशन किस लिए वो बताइए मुझे किस कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं आप सर मेरा अकाउंट एक्सनेस में है एंड मेरा अकाउंट आपके लिंक से कनेक्ट करना है एंड सर अगर अकाउंट में एक लाख डिपॉजिट करते हैं तो क्या डिपॉजिट पर बोनस मिलता है देखिए एक्सनेस एक्सनेस डिपॉजिट बोनस नहीं देता है उनकी तरफ से कोई बोनस वगैरह नहीं मिलता है वो लिवरेज बहुत ज्यादा देते हैं पर जो मेरा यहाँ पर आपने देखा होगा गिव अवे चल रहा है अगर आपका अकाउंट है मेरे लिंक में आपका अकाउंट नहीं कनेक्ट करना है तो आप मुझे ईमेल में लिख सकते हैं मैं आपको गाइड कर दूंगा आपको बता दूंगा किस तरीके से आप कर सकते हैं और वहां पर आपको बोनस मिल सकता है मैं अकाउंट में जो क्रेडिट देता हूँ कम से कम पाँच या छह विनर रहते हैं हर महीने जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें से उनके जो क्राइटेरिया अगर आप मेट करते हैं तो फिर आपको वहां पर आपके अकाउंट में क्रेडिट बोनस दिया जाता है या फिर जो कुछ गिफ्ट हैम्पर्स है जो बैग्स वगैरह है पेन है डायरी है एक थर्मस बोतल है और पावर बैंक है और टी शर्ट है ये गिफ्ट्स हैं जो मैं हर महीने जो एक्सनेस के ट्रेडर हैं उनको वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लिंक कनेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं और अगर आपको विड्रॉल भी कराना है तो उसमें भी मैं वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे ईमेल में कांटेक्ट कीजिए रेट जी मेल डॉट कॉम आपको मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा ठीक है वैसे बोनस एक्सनेस uh, की तरफ से नहीं मिलता ओके अविनाश okay, सर यूएस थर्टी का डॉलर से कैसे रिएक्शन होता है नॉर्मली अभी तो बिकॉज ऑफ वॉर ये डाउन जा रहा है देखिए नॉर्मली तो अगर यूएस थर्टी और यूएस डॉलर में कभी कभी रिएक्शन अपोजिट ही जाता है कभी कभी क्या करती है कंट्रीज में इन्फ्लेशन ज्यादा है इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है बैंक क्या करेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे वो कंट्री के लिए तो ठीक है करेंसी के लिए तो ठीक है पर बिजनेस के लिए स्टॉक्स और कंपनी के लिए ज्यादा ठीक नहीं हो क्योंकि फिर उनको क्रेडिट या फिर पैसे जो मिलते हैं वो थोड़े उनके ऊपर उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है उसमें हम टाइटनिंग करते जाएंगे तो जितना जितना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा कंपनी के लिए वो ठीक नहीं रहेगा और इसी तरीके से फिर यूएस थर्टी में अगर उस सेंटिमेंट को फॉलो करें तो वो डाउन जाना शुरू करेगा तो एक इनवर्स रिलेशन आना शुरू हो जाएगा बाकी ओवरऑल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं पर हम मेन चीज अगर हम इसको देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यूएसडी यूएस थर्टी कंपनी जो कंट्री है वो करेंसी को बचाने में जा रही है वो किसी कंपनी को बचाएगी ओके अविनाश और डिमांड एंड सप्लाई जोन अगर आप कन्फर्मेशन के लिए देख रहे हैं तो डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रेटजी के साथ उसको ट्रेड कर रहे हैं आप कैंडल स्टिक के साथ देख रहे हैं आप करेंसी कॉर्डेशन के साथ जा सकते हैं आप जो भी स्ट्रेटजी है जिस तरीके की है आप कोई इंडिकेटर ले सकते हैं तो कन्फर्मेशन तो किसी भी तरीके का हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी के साथ उसको ट्रेड कर रहे हैं हर एक के लिए डिफरेंट हो सकता है ओके okay, शांत सा, जीबीपी एंजड़ी वन आवर अप ट्रेंड स्विंग ट्रेडिंग चालू है ओके okay. जीबीपी एंजड़ी में जीबीपी एंजड़ी में देखें तो वन आवर में अप ट्रेंड ओके okay. चलिए वन आवर देखते हैं मार्केट यहां से यहां तक गई अप सेम इसी लेवल पे आई ओके okay. तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो हम इसी लेवल पर बार बार आ चुके हैं सात ठीक है हायर हाई high हमारे बन नहीं रहे हैं अगर आप यहाँ पर देखें इसके बाद से मार्केट यहाँ पर आई पर दोबारा हाई नहीं गया है और उसके बाद डीप डाउन हम अभी पुल बैक करते जा रहे हैं ठीक है तो ये भी अगर आप देखेंगे मार्केट सेम अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता वन आवर क्यों देख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप फोर आवर्स में देखना चाहेंगे तो बाइक की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली फोर आवर में बन सकती है वन आवर में अभी मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में जा रही है इस लेवल से कैसे मार्केट रिएक्ट करती है मैं थोड़ा यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा एक बार मार्केट ऑब्जर्व कर चुकी है अगर आपने बाई कर लिया है टू जीरो 208, तो पर कहीं इसमें बाई किया है मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको ताकि बाकी देख सके स्टॉप लॉस टू जीरो सेवन फोर यह आपका स्टॉप लॉस है जो कि आपने पूरा अगर हम इसको देखें ये सभी लेवल को आउट करके आप इससे नीचे रख रहे हैं बिल्कुल ठीक है और टारगेट प्रॉफिट टू जीरो, नाएं नाएं एट। टू जीरो मतलब यहां पर इसके आसपास टू जीरो नाइन फाइव नाइन एट ओके जिस मेरे लिए अगर कंसर्न रहेगा कि मार्केट एक बार इस लेवल को यहां तक गई थी पर दोबारा इस लेवल को टच नहीं करा है ठीक है तो मेरे लिए कंसर्न मैं टारगेट प्रॉफिट यहां पर देखना चाहूंगा तो मैं इस लेवल को पहले आउट करना चाहूंगा मार्केट ऊपर जा सकती है इससे ऊपर भी जा सकती है कोई इश्यू नहीं है पर मेरे लिए कि यहां पर ये एक प्रॉब्लम है जो मैं देखना चाहूंगा तो अगर आपने यहाँ पर इसमें देखा है ये आपका स्टॉप लॉस है ये आपका टारगेट है तो आपको टू इस टू वन यहां पर आप देख रहे हैं मैं कहूंगा कुछ पोजिशन आप यहाँ पर भी आउट इसमें कर सकते हैं इस लेवल के आसपास जस्ट इन सर, okay, सर ब्रेकआउट मतलब का, मतलब का, मतलब का मतलब आप यहाँ पर इस तरीके से अगर समझ रहे हैं तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज अगर रेंज में चल रही है इसको ब्रेकआउट किया मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया तो हम कंटिन्यूसली आपका ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है तो मतलब कि आप ब्रेकआउट किया है जो एक रेंज में हम यहाँ पर चल रहे थे और उसको ब्रेकआउट करके मार्केट अब अब कंटिन्यूसली पर चलिए तो ये एक ब्रेकआउट मार्केटली दूसरा पूछ रहे हैं कि रिवर्सल तो रिवर्सल मार्केट मार्केट से कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में हाँ पर चल रही थी हाई हाई बन यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया इस लेवल को ब्रेक किया और अब यहाँ पर आपका रिवर्सल जाना शुरू हो गया तो जो आप एल्यूट वेव्स की थ्योरी भी अगर आप पढ़ेंगे कि मतलब यहाँ पर तीन से चार वेव बनती हैं उसके बाद मार्केट साइडवेज और फिर डाउन वेज तो यही फेज मार्केट के हैं जो चलते रहेंगे बार बार रिपीट होते रहेंगे इसके अलावा और मार्केट उस और नहीं करेगी तो रिवर्सल है कि जो आपका ट्रेंड था अब उसके अगेंस में मार्केट जाना शुरू हो गया ब्रेकआउट अगर हम रेंज में थे कि हम जो मार्केट उस लेवल में थी ब्रेकआउट इसी में भी हो सकता है कि यहां पर मार्केट रेंज में थी इसको ब्रेकआउट किया हम कंटिन्यूसली डाउन में आ गए सर कोई ट्रेंड पहचान के लिए कितना दूर देखना चाहिए

ओके okay, मैं जो आपको ट्रेड अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है हमारे पास दो चार मिनट और है हम देख सकते हैं तो जो पेयर्स मैंने आपको बताए थे गोल्ड के लिए मैं बता चुका हूँ हाँ डेफिनेटली मैं यहाँ पर इसमें बाय के लिए ही देखना चाहूंगा दूसरा ओके okay, राहुल का क्वेश्चन है ओ में हम शोट के लिए भी देख सकते हैं वन आवर में जू एस में ओजी आपका स्ट्रेंथ में चल रहा है आज थोड़ा वो माइंड में रखिएगा और जू आप यहाँ पर अगर मैंने जो फोरकास्ट में बताया था हम यहाँ पर पूरी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें एक चैनल के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं काफी टाइम से और जो सपोर्ट लेवल है इसको मार्केट होल्ड कर रही है और यहां तक आ चुकी है डेफिनेटली वन आवर में मैं सोर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ यहाँ पर अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो तो ये चैनल के पास है हम पर पर या इस सपोर्ट तक भी जाती है मार्केट क्योंकि ओजी ओजी यूएसडी आज पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है तो शायद आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले या फिर एशियन सेशन में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ओजी आप देखें पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में आज कंटिन्यूसली अप चल रहा है तो मे भी आज नहीं तो एशियन सेशन देखिए वेट कीजिए अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाए फिर तो हम आउट है नहीं तो डेफिनेटली सोट की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल सकती है ओके राहुल प्रीवियस वीक डे हाई लो ये सपोर्ट सपोर्टेंट जैसे काम करते हैं एफएक्स मार्केट में बिल्कुल आप उसको भी ले सकते हैं कि प्रीवियस आप इवन कुछ इंडिकेटर है आप उनको भी यूज कर सकते हैं इसके बेस पे कि कहां पर प्रीवियस हाई था कहाँ पर प्रीवियस लो है एटलीस्ट आपको पता चले या डेली की कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई है उसको आप वहां पर देख सकते हैं और फिर विद विदिन अरेन्ज डेली के अंदर ही कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं कि डेली की अगर उन्होंने मार्क कर लिया जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि डेली की ये पूरी रेंज है ये कैंडल क्लोज हुई है अब अगर जो उनके टारगेट प्रॉफिट होंगे वो उसी के अंदर फिर वो छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग के लिए भी उसको यूज करते हैं कि हमारा टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस इसके बाहर ये इसके अंदर हम इसमें ले सकते हैं ओके ओके राहुल गुड थैंक यू सर आप मेरे लिए बेस्ट टीचर हैं थैंक यू धीरज जस्ट मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मैं आंसर कर पाऊ मैं कुछ बेस्ट नहीं हूं मैं ऐसा कुछ नहीं हूं मैं भी जैसे एक लर्नर हूं आपकी तरह ही हूँ कितना कैंडल पीछे देखूं कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आप कैंडल को मत देखिए आप कुछ सिक्स मंथ से वन ईयर का डाटा इनफ है इससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वन आवर में यहाँ पर देख रहा हूँ कोई भी पेड़ ले लीजिए मान लीजिए मैं यू आ, कोई ऐसा पेड़ लेते हैं जिसमें ट्रेंड आपका चल रहा है या यूरो जी भी ले, ले लेते हैं ठीक है मैं यहाँ पर वन आवर के चार्ट में इसको देख रहा हूँ ठीक है वन आवर का चार्ट देख रहा हूँ मैं कहता हूं आप सिक्स ईयर मैक्सिमम इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर मैं यहाँ पर जाता हूं तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड आपका अब था यहाँ से आप देखें इवन अक्टूबर हम सिक्स मंथ से भी कम में है उससे भी कम में ही आपको मिल जाएगा सिक्स मंथ से ज्यादा मैं नहीं कहूंगा इससे ऊपर गया अब यहाँ पर मार्केट एक साइड में चल रही है अगर आप यहाँ पर देखें उसके अंदर भी आप ट्रेंड देख सकते हैं इवन वन आवर में डेफिनेटली पर ट्रेंड जो आपकी ओवरऑल जो पिक्चर आपको दिख रही है कि हम यहाँ पर एक साइड में है इसके अंदर ये डाउन ट्रेंड में था यहाँ से ये अप में भी गया फिर डाउन फिर यहाँ से हम अप के लिए जा रहे हैं पर हम टॉप लेवल एक रेंज में आ चुके हैं तो इवन सिक्स मंथ इनफ है मैक्सिमम इतना जा सकते हैं हम यहाँ पर अगर देखें यूरो जीबीपी में हमें सिक्स मंथ से ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी है इवन हम अक्टूबर के महीने से एक महीने के डाटा से ही हम एटलीस्ट पता चल सकता है कि हम मार्केट में कहा पर हैं ओके okay, सांतनु ओके थैंक यू सर ऑल डाउट्स क्लियर नीतिश ओके वेलकम गाइस थैंक यू थैंक यू ज्वाइन करने के लिए तो हमारा ऑलमोस्ट टाइम यहाँ पर ओवर हो चुका है और किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन अगर मैं लेना चाहूँ अगर नहीं है तो गुड गाइस जस्ट एक चांस अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अगर आप टाइप कर रहे हैं तो ठीक है नहीं तो गुड नाइट थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हमारी जो भी अपडेट रहेगी नवम्बर वेबिनार के लिए वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा ठीक है ओके uh, धीरज okay. का एक लास्ट क्वेश्चन है मैं ले लेता हूँ कोई डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूंगा सर ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमारा क्या रूटीन होना चाहिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए इस पे एक वीडियो बनाया ओके धीरज मैं आने वाले दिनों में डेफिनेटली इस uh, टॉपिक को माइंड में रखूंगा कि क्या रूटीन किस तरीके से, से हम स्टार्ट कर सकते हैं वो आप किस तरीके से करेंगे ठीक है ओके थैंक यू गैस टेक केयर गुड नाइट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेबिनार ओके okay, बाय